इतना सब कुछ हो रहा है और ये ना मैं काफी सालों से महसूस कर रही हूँ। मैं वो सुरभि तिवारी रही नहीं जो मैं हुआ करती थी। और क्यों मुझे, मैं एक जगह बैठती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी ने बांध दिया है। मैं घंटों एक जगह बैठी रहती, रोती रहती थी और मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था, ना मेरा ना खाना खाने का मन करे, ना मेरा वॉक पे जाने का मन करे, कोई भी चीज मेरा मन, मुझे ऐसा लगता था मुझे ना बहुत 10 लोगों का प्रेशर लग रहा है, 10 लोग मुझे धक्का दे रहे तब जाके मैं कोई काम कर रही हूँ। फिर देन मैंने कुछ ऐसे रियलाइज किया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे पे काला जादू किया है। और ये किसने किया है, ये प्रवीण की मॉम ने किया है। मुझे याद है जब मैं पहली बार, मुझे मैं उस घर में थी प्रवीण के द्वारका वाले फ्लैट में, और जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे तो वो हम सारी लड़कियां ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि कोई भी एक लड़की दूसरी लड़की की पीरियड्स के पैड को चाहे वो कितने ही सैनिटाइज करके 3 इसमें पैक करके भी रखा हो तो कोई भी छूती नहीं है। आप कितना भी पीरियड्स के पेन में हो, आपको आपका सैनिटरी पैड या टैम्पोन या जो भी आप यूज करते हो वो आपको खुद ही डिस्पोज करना होता है। कोई भी एक लड़की दूसरी लड़की के इसमें हाथ भी नहीं लगाएगी। और प्रवीण की मॉम और बहनों को तो ओ छीए छीए करके वाली आदत है। तो मैंने पूछा कि मैं इसको कहाँ डिस्पोज ऑफ करूं, बिकॉज वहां मुझे कोई डस्टबिन वगैरह मिल नहीं रहा था। तो उसकी मॉम ने बोला नहीं नहीं वहीं बाथरूम में ही रहने दो, मैं फेंक दूंगी। तो मुझे तो फ्लाइट पकड़नी थी, मुझे तो बॉम्बे आना था वापस, तो मैं थोड़ा जल्दबाजी में थी। मैंने कहा ओके ठीक है। अब मैं बैठ के रियलाइज करती हूँ कि उसकी मॉम ने वो पीरियड्स के पैड्स से बहुत तगड़ा काला जादू होता है और उन्होंने वही किया है। इसलिए मुझे इतना ना, मुझे लगता था मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे एंजाइटी होती है, रातों की नींद गायब है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे ये लोग डराते थे, भयंकर डराते थे, नक्सली एंगल, हमारे कोई चाचा है उन्होंने कहीं मर्डर किए हैं, तुम्हारा खून करवा देंगे, गाड़ देंगे तुमको पटना में, वही बॉडी नहीं मिलेगी, ऑल दैट चीज दे यूज टू डू। एंड और मैं डरती थी, मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, मैं डरती थी। बट अब रियलाइज हुआ कि वो उन्होंने ना मुझे ना बांध, बोलते ना बांध दो किसी को, और मेरे और प्रवीण के बीच में लड़ाई लगाती थी वो बहुत ज्यादा, ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए और मैं कोई भी चीज कर ना पाऊं। मैं कई बार सोचा है कि मैं ये शादी बहुत पहले ही मुझे खत्म कर देनी चाहिए थी, तो मैं उस चीज के लिए कर नहीं पाती थी। यू नो मुझे बहुत ही, मतलब मुझे ऐसा लगता था मुझे किसी ने बांध दिया है, मैं किसी और के इशारों पे चल रही हूँ, मैं वो लड़की नहीं रही जो मैं ऐसे सोचती थी और मैं हवा के जैसे चीजें करके आ जाती थी। आई वॉज अ कम्प्लीटली गो गेटर। और मैं सोचती थी मुझे ना डिप्रेशन है, मुझे ये है। और अब रियलाइज हो रहा कि डिप्रेशन के साथ साथ ये और भी बहुत सारी चीजें मेरे साथ की है। इन लोगों ने डेफिनेटली मुझे कुछ खाने में भी ऐसा चीज दे दिया है। यू नो स्पेशली जब से ये सब पुलिस केसेस, ये पुलिस स्टेशन में जाना हुआ है ना, मुझे और ज्यादा ऐसा लग रहा है कि और तगड़ा कर दिया है, स्ट्रांग कर दिया है। और आई एम फीलिंग सो रेस्टलेस, मुझे रात को ना से इस तरह से मेरे को सांसें ऐसी होती है, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं मुश्किल से 6 घंटा तो हेल्दी होता है सोना, मैं ऐसे कुछ 4-4.5 घंटे ऐसे कुछ सो रही हूँ। और एक जगह बैठी हूँ तो उठती नहीं हूँ, बैठी रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, ऐसा लगता है कि उठू ही नहीं, मन नहीं करता कुछ काम करने का। यू नो सो दिस इज, आई सॉ सम वीडियोज ऑन यूट्यूब और मैंने रिलेट किया जो काला जादू के जो सिम्टम्स होते हैं, मेरे सिम्टम्स बहुत मैच कर रहे हैं। यू नो मेरी सास यानी कि प्रवीण की मॉम मिसेस लीला सिन्हा, उन्होंने मेरे पीरियड्स के पैड से मुझ पर काला जादू किया है और बहुत बहुत स्ट्रांग किया है। और मैं बस, अब मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, मैंने कुछ कंसल्ट भी किया है ये सब चीज से बाहर आने के लिए, और मैं दिन में 1 घंटा अब पूजा भी करती हूँ ताकि मुझे इन सब चीज, सारी जो चीजें हैं वो मेरे शरीर से उतर जाए, निकल जाए। और फिर देखिएगा आप मेरा ये केस कितना फटाफट जल्दी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता चल गया कि मुझ पर क्या किया है। पहले तो पता तो चले ना, आप डायग्नोज तो, आपकी बीमारी क्या है, बीमारी जब डायग्नोज होगी तब उसका निवारण होगा। तो अब पता चल गया, आई विल बी डन। उन्होंने प्रवीण को भेजा
और कहा कि मम्मी ने छठ किया है। कहाँ भेजा? बॉम्बे, प्रवीण को कहाँ से? दिल्ली से बॉम्बे भेजा और बोला कि मम्मी ने छठ किया है तो तुम्हारी सूप चढ़ाई है तो वो प्रसाद है मैं लेकर आ रहा हूँ। आई वॉज वेरी शॉक्ड। प्रवीण बहुत आलसी है और वो इतना तो ये करेगा ही नहीं काम, यू नो, कि प्रसाद लेकर आए वो। ही इज टू लेजी फॉर ऑल दिस। और वो प्रसाद लेकर आया घर पे और वो डब्बा खोल के बैठा हुआ था एंड ही वो बैठा ही था जब तक मैंने प्रसाद खाया नहीं। तुमको खाना है, तुमको खाना है, तुमको खाना है। तो वो जिस तरह से वो कर रहा था मेरे को तभी थोड़ा सा डाउट था कि ये प्रसाद तो है लेकिन इसके साथ कुछ और तो नहीं इन लोगों ने कर दिया है। बट ऐसे ठीक है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ में। मैंने तो उसको प्रसाद समझ के खा लिया कि मैं छठी मैया का मैं अनादर नहीं करना चाहती, मैंने खा लिया। बट जिस तरह से वो हेलबेंट था ना कि तुमको खाना है खाना है खाना है, मुझे लगता है उन्होंने कुछ और भी उसमें। तो छठ का प्रसाद आपको खिलाने के लिए दिल्ली से मुंबई भेजा गया। हाँ। और जब तक आप खाए नहीं तब तक सामने बैठे रहे प्रवीण। वो इतना प्रवीण इतना मेहनती नहीं है कि छठ का प्रसाद तो क्या हुआ प्रसाद खाने के बाद फिर आपको? मैं घंटों, पता है काला जादू ऐसे जो मैंने सुना है आपको बांध देते हैं, यू नो, कि आप ज्यादा कुछ जैसे। तो पहली बार आपको कब चला पता लगा कि आप प्रसाद में कुछ गलत चीज आपने खा लिया? मैं उसके बाद से मैं घर में ना घंटों बैठी रहती हूँ, एक जगह पे घंटों बैठी रहती हूँ। और ना मुझे से ना मुझे पता है मुझे बहुत काम करना है, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, लेकिन देयर इज नो एनर्जी टू डू इट। घंटों एक ही जगह पड़े पड़े बैठ के सोचती रहती हूँ मैं, रोती रहती हूँ मैं, और एनर्जी नहीं है किसी चीज में, काम करने में मन नहीं लगता है। और मेरे और प्रवीण के बीच में वो ना बोलते ना हस्बैंड वाइफ को तोड़ने के तोड़ते हैं, तो इसे मुझे वो शंकर पार्वती कल्याणामन राम सीता कल्याणामन श्रीनिवास। तो मैं घंटों बैठ के ऐसी रोती रहती थी और किसी भी चीज में काम करने में मन नहीं लगता है, एंजाइटी होती है बहुत ज्यादा, रेस्टलेस। तो उसके बाद ही शुरू हुआ जब आपने प्रसाद खाया? यस yes. तो आपने बोला कभी अपने हस्बैंड को या सास को कि मैं प्रवीण को बोल चुकी हूँ कि तुम्हारी मॉम ने मुझ पर काला जादू किया है? मैं बहुत ओपनली उसको बोल चुकी हूँ और मैंने उस दिन के बाद बहुत क्लियर कर दिया है। आपने ये बोला कि छठ के प्रसाद में था कुछ और? मैंने प्रवीण को कन्फर्म किया था ये बात कि तुम्हारी मॉम को, तुमको पता है कि तुम्हारी मॉम ने ऐसा कुछ किया है? बट उसकी मॉम करेगी भी तो प्रवीण को नहीं पता चलेगा, वो बहुत स्मार्ट औरत है। वो अकेले, जो औरत अकेले बहू का 18 कैरेट में सोना बना सकती है। तो आई टोल्ड प्रवीण ने आज के बाद तुम्हारे घर का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। मैं मतलब वो अगर सील्ड पैक बाहर से मिठाई लाता है तो मैं लेती हूँ, बिकॉज वो सील्ड पैक मिठाई है और वो भी कोई ब्रांड की है। अदरवाइज मैं उसके घर का कुछ नहीं खाती हूँ। आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग। मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया मैं उसकी माँ का हाथ का कुछ नहीं खाऊं। आपने ये बताया कि मेरे इस्तेमाल किए गए पीरियड्स के पैड से उन्होंने मुझ पर काला जादू किया है, ये आपने प्रवीण को बोला? मैंने कन्फर्म किया प्रवीण को कि तुम्हारी माँ ने मुझे उसको डिस्पोज ऑफ करने नहीं दिया है और उन्होंने जानबूझ के ये किया है मेरे पर काला जादू पीरियड्स के पैड से। रीजन ये है कि वो चाहती थी कि मैं उनके हिसाब से नाचूं, बिकॉज मैं ही उनका एक ट्रम्प कार्ड रह गई थी उनको विधायक बनाने के लिए। जो सत्ता का सुख उन्हें चाहिए था, मैं ही एक ट्रम्प कार्ड थी। तो प्रवीण का रिएक्शन क्या था, आपके हस्बैंड का रिएक्शन क्या था? प्रवीण लाइक नहीं आप तुम गलत सोच रहे हो, मेरी मम्मी क्यों ऐसे करेंगी? अरे जो औरत अपनी बेटी को नहीं ब्याहेगी सत्ता के सुख के लिए, 40-40 साल की लड़कियों को घर में रखा है कि कमा के लेकर आओ मुझे विधायक बनाओ, वो औरत किसी भी एक्सटेंट पे जा सकती है। और मैं तो उसका लास्ट रिसोर्स थी सत्ता का सुख के लिए, उसको विधायक बनना था। आई वॉज द लास्ट ऑप्शन फॉर हर, क्यों नहीं वो मेरे पे ये सब चीज करेगी? शी वुड हैव डन इट। और अब मैं बहुत पूजा कर रही हूँ ताकि वो सारा काला जादू मेरे शरीर से निकल जाए।